चलिए तो व्यंजन, ठीक से पढ़ो। व्यंजन वर्ण वह वर्ण है जिसके उच्चारण में स्वर वर्ण की सहायता लेनी पड़ती है। जैसे क, जो हम क कहते हैं, क, तो इसमें अ आ जाता है। क का उच्चारण जो होता है तो बिना अ के उच्चारण से क का उच्चारण नहीं होगा। जब इसको खंड करते हैं तो क प्लस अ बराबर क, इट मीन्स व्यंजन वर्ण ये स्वर वर्ण पर डिपेंड है। कॉन्सोनेंट भावेल, कॉन्सोनेंट इज डिपेंडेंट अपॉन भावेल्स, समझ गए ना। अब देखिए व्यंजन वर्ण, व्यंजन वर्ण के भेद कितने होते हैं? तीन। तुम बोलो। अच्छा, अंतस्थ, अंतस्थ व्यंजन वर्ण, उसमें व्यंजन वर्ण और है ना, स्पर्श व्यंजन वर्ण जिसके उच्चारण, ठीक से बैठो, ठीक से बैठो। स्पर्श व्यंजन वर्ण वह वर्ण है जिसका उच्चारण मुख के किसी न किसी भाग के स्पर्श करने से होता है, यानी छूने से होता है, समझ गए ना। अब जैसे क वर्ग, क वर्ग कहने का क्या अर्थ हुआ? क वर्ग से क्या समझते हो? खड़े हो। हाँ, क वर्ग से, क से लेकर अंग तक, तो ये 25 होते हैं, क वर्ग से लेकर प वर्ग तक। अब है अंतस्थ वर्ण, य, र, ल और व, अंतस्थ वर्ण होता है। क्यों ठीक से नहीं बैठता है तुम? अंतस्थ वर्ण, अरे ठीक से बैठो ना लड़का। अंतस्थ वर्ण जिसका उच्चारण मुख के भीतरी भाग से होता है, कंठ से, ताल से, यानी यहाँ से होता है, उसे अंतस्थ वर्ण कहते हैं। य, र, ल, व, यानी ये जो है प्रकंपित होता है कंठ, उसमें व्यंजन वर्ण। इसके उच्चारण में मुख से गर्म हवा निकलती है, इसलिए यह उसमें व्यंजन वर्ण है। हा, हा, ठीक से बैठो, ठीक से बैठो। हा, यह उसमें व्यंजन वर्ण होता है। संयुक्त व्यंजन वर्ण जिसमें दो वर्ण के संयोग से बनता है, जैसे अक्षा, त्र, ज्ञ और स्र, श्रीमान वाला स्र जो होता है, ये होता क हलंत जो मूर्धन्य स, त हलंत जो र, ज हलंत जो य, स हलंत जो र। इन वर्णों के उच्चारण से, मेल से ये संयुक्त वर्ण बनते हैं, और इसी वर्ण के आधार पर हम वर्ण विच्छेद भी करते हैं। वर्ण विच्छेद बताया है कि नहीं?
नहीं पढ़ा। अब जैसे पथ पथ ज्ञानी ज्ञानी उसके बाद है पत्रिका भारत वर्ष और इसमें हलंत नहीं होता। जब प्रयोग में आता है वर्ण विच्छेद में तो इसमें हलंत इसमें भी लग जाता है, समझ गए ना। अब जैसे है ज हलंत जोड़ य हलंत जोड़ आ जोड़ ज्ञानी, फिर है पत्रिका प हलंत जोड़ अ जोड़ त हलंत जोड़ र हलंत जोड़ हर्षई जोड़ क हलंत जोड़ आ भारतवर्ष भ हलंत जोड़ आ र हलंत जोड़ अ त हलंत जोड़ अ व हलंत जोड़ व र जोड़ मूर्धन्य स हलंत जोड़ अ भारत वर्ष, समझ गए। भारत भारत वर्ष राहुल भारतवर्ष, इसको नोट कर लो और 10 ठो लिखाते हैं, सब ही नोट करो। शब्द, शब्द किसे कहते हैं, ठीक से बैठो जल्दी बोलो, शब्द किसे कहते हैं जल्दी बोलिए। चलिए शब्द किसे कहते हैं, जल्दी बोलो। वर्णों के सार्थक समूह को या सार्थक मेल को शब्द कहते हैं। बैठ जाओ। जैसे पा जोड़ नी, पानी सार्थक मेल है। और फिर अगर लिखते हैं नी जोड़ पा, नीपा, यही असार्थक हो गया, ये शब्द नहीं हुआ। चलिए अब है उत्पत्ति या व्युत्पत्ति के की दृष्टि से शब्द के कितने भेद। उत्पत्ति के दृष्टि से या व्युत्पत्ति के दृष्टि से शब्द के कितने भेद, कौन कौन। अर्थ की दृष्टि से, उत्पत्ति की दृष्टि से बताओ, तुम जानते हो। बैठो। चार भेद है, तत्सम तद्भव देशज और विदेशज। तत्सम शब्द तद्भव शब्द अब देखिए तत्सम शब्द संस्कृत के मूल शब्द को तत्सम शब्द कहा जाता है, याद रखो। संस्कृत के
संस्कृत के मूल शब्द को तत्सम शब्द कहते हैं। जैसे हस्त गज अश्व गर्दभ गर्दभ दो तीन कर्पूर कर्पूर। अब यहाँ देखो हस्त गज अश्व घोड़ा गर्दभ गदहा कर्पूर कपूर उष्ट्र इत्यादि इत्यादि होते हैं। कर्पूर कर्पूर संस्कृत होता है, ऐसे हिंदी होता है कपूर। अब इसका समझ गए। अब देखो तद्भव शब्द फर्स्ट है, दूसरा है तद्भव। संस्कृत के बिगड़े हुए रूप को या संस्कृत के हिंदी रूपांतरण को तद्भव शब्द कहते हैं। समझ गए। अब जैसे हस्त वन हस्त माने हाथ, दूसरा है गज हाथी, तीसरा है घोड़ा, चौथा है गदहा, पांचवा है कपूर। समझ गए। सेकंड वाला का जैसे है, ये फर्स्ट वाला का जैसे होगा। चलो इतना नोट करो पहले जल्दी। तो यहाँ देखा जाए प्रायः करते हैं उसे देशज शब्द कहा जाता है। जैसे खटिया पीढ़िया लोटा डोरी खिचड़ी तगड़ी पगड़ी फुनगी। इत्यादि
गर्दभ गर्दभ भा गर द अभा कर्पूर चौथा है फोर्थ नंबर है विदेशम विदेश Thank you.